बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज नाज़िया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट और इजी तरीके से चिकन पकौड़ा बनाना बताऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन ली है, 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 tablespoon नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकती हैं, चुटकी ऑरेंज फूड कलर, चुटकी हल्दी, 1/2 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 teaspoon पीसी हुई लाल मिर्च, 1/2 teaspoon पेपरिका पाउडर। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 teaspoon भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 पाव दही। अब मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करूँगी, इसमें दही ऐड करूँगी, साथ ही इसमें पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही में सब अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकती हैं। अब मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। 2 घंटे हो गए, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब मैं इसे स्टीम करूंगी। इस तरह से एक पतीली लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें चिकन ऐड कर देंगे। सारा चिकन ऐड करके इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। सारा चिकन मैंने पतीली में डाल दिया है, इसे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो गए, अब मैं इसकी फ्लेम बंद करूंगी और इसे चेक करेंगे। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छे से गल गया। इसे मैं एक बॉल में निकालूंगी और ठंडा होने के बाद इसकी कोटिंग करके इसे फ्राई करेंगे। चिकन हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसी चिकन में ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसका मसाला है। अब मैं इसमें 2 स्पून बेसन ऐड करूंगी, 2 स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। दूसरी तरफ मैंने चिकन में और कॉर्नफ्लावर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं इन्हें फ्राई करूंगी, इस तरह से बारी बारी करके डालते जाएंगे। इस तरह से सारे डालते जाएंगे और इन्हें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो गया, अब मैं इसे निकाल लूंगी। एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे बना के रखते जाएंगे।
चिकन पकौड़े को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।